आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने दो दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक तरफ आदिवासियों को नक्सली बता के इनकाउंटर किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ मंत्री के जेठ कि किस प्रकार से दादागिरी हो रही है, पूरे सारे सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं, मीडिया में भी वो बात आ रही है। तीसरे तरफ आप रायगढ़ में देख लिए कि एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाते हैं, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। तो वहीं जो रेत माफिया है, शराब माफिया है, अब तो राजनांदगांव में अवैध शराब के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो वहीं रायपुर से नज़दीक ग्राम दोंदे में शराब माफिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी पीटा गया, वो न्याय के गुहार लगाने के लिए अनेक जगह गए और नहीं कहीं उसे उम्मीद आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने आत्मकर ली। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति, आज उसका दसगात्र है, आज या कल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेठ सुरक्षा प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी और थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है।